हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से सोया चाप बनाने की रेसिपी। क्या घर में आप भी सोया चाप बनाते हैं और आपकी जो चापे हैं वो अंदर तक मॉइस्ट नहीं रहती हैं, उनमें वो बाजार जैसा टेक्सचर नहीं आता है, या अंदर से फीकी और ऊपर से मसालेदार बनती हैं आपकी चापे? अगर हाँ, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं लेकर आई हूँ इस रेसिपी में आप सबके लिए। कैसे आप इजीली बिना फ्राई किए सोया चाप घर पे बना सकते हैं, तो ये जानने के लिए आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिए। अगर आपने अभी तक सरसात्विक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये फ्रोजन चाप, तो ये आधा किलो की पैकिंग है, तो ये इजीली अवेलेबल होती है नॉर्थ इंडिया में, और अगर आपके यहाँ कैंड वाली मिलती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं इस पैक को ओपन कर रही हूँ और देखते हैं कि इसमें कितनी स्टिक्स निकलेंगी। करीब इसमें ये 9 स्टिक्स हैं, तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए गर्म पानी बिल्कुल उबलता हुआ। इन स्टिक्स को हम इसमें ऐड करेंगे एक बाउल में। इसमें मैं ये बिल्कुल बॉइल करता हुआ पानी ऐड करूँगी और इसको हम 10 मिनट के लिए इसी में डूबे रहने देंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारी चापे हैं वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो अच्छे से वॉश ऑफ हो जाएंगी। तो इनको अब हम निकाल लेंगे, 10 मिनट हो गए हैं, तो इनको हम इस तरह से स्टिक्स को निकाल लेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश वाली लेकर आ रहे हैं जो पानी में भीगी हुई होती हैं स्टोर्स पे, तो आपको बस नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, फिर आप गर्म पानी में वॉश ना करें, क्योंकि ये बिना पानी वाली थी इसलिए मैंने इनको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए सोक किया था। तो इनको अब आप जितने बड़े पीसेस में कट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इनको बस 1.5 से 2 इंच चौड़ा इनको कट कर रही हूँ। अक्सर लोग पहले फ्राई करते हैं उसके बाद इन्हें कट करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि ऑयल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और वो अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, तो बस थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, और मैंने यहाँ लिया है ये सरसों का तेल, तो लगभग 2 से 3 टेबल स्पून है बस। और इतने ही ऑयल में हम अपनी चापों को कुक भी करेंगे और इसी में ही पकाएंगे। तो मैं इसमें चापे ऐड करूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसका क्रस्ट जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक इनको कुक करेंगे। 2 बैचेस में मैं इनको कुक करूंगी। तो इनको बहुत जबरदस्ती हिलाए नहीं, मतलब इनको पलटे नहीं, ये जैसे जैसे कुक होंगी वैसे वैसे अपनी जगह को छोड़ देंगी। और मैंने वैसे भी ये स्टील वॉक में बना रही हूँ, मैं कोई नॉनस्टिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल डरे नहीं, ये नहीं चिपकेंगी और जैसे जैसे कुक होंगी वैसे वैसे ये खुद ब खुद स्पेस छोड़ देंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है इन पे, और आवाज़ से भी सुन के पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छी ये क्रिस्प हो गई है, बिल्कुल सुनहरी, बहुत ही सुनहरा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है। तो इनको हम निकाल देंगे और इसी ऑयल में, आप देख सकते हैं ऑयल बचा हुआ है, इसी ऑयल में हम बाकी की चापों को भी कुक कर लेंगे। तो जब तक हमारी जो चापें हैं वो कुक हो रही हैं तब तक हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैरिनेशन के लिए हमें दही चाहिए वो हंग कर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम पनीर टिक्का के लिए लेते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमें हंग कर्ड ना लेकर के गाढ़ा दही लेना है। उससे क्या होगा, जो चाप है उसके अंदर तक ये मैरिनेशन जा पाएगा और उससे जो हमारी चापें हैं वो और ज़्यादा मसालेदार बनेंगी और साथ ही जो उनका टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये घर की मलाई, तो 2 चम्मच भर के मैं मलाई डालूंगी। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर घर की मलाई है तो उससे अच्छी क्या बात है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक,
नमक थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चाकू में भी नमक नहीं है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ढेर सारा जिंजर पेस्ट। तो यहाँ मैं अदरक को घिस के नहीं डाल रही हूँ, या तो आप उसको कद्दूकस करके डालें जिससे कि जो उसका एसेंस है वो मैरिनेशन में आ पाए। अगर आप जूलियंस करके डाल देंगे या पीसेस करके डालेंगे तो जो उसका फ्लेवर है वो अंदर तक नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ खड़े मसाले, तो एक बड़ी इलायची। तो इस तरह के खलड़ में मैं इसको बड़ी इलायची डाल रही हूँ, और 2 से 3 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्च और एक छोटी इलायची। तो इन सभी को हम अच्छे से दरदरा कूट लेंगे और इसको हम मैरिनेशन के मिक्स में ऐड करेंगे। तो ये जो बड़ी इलायची होती है, काली इलायची, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ सभी मसालों को, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो इस टाइम पे आप या तो इसमें दूध डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी पतली मलाई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो हमारा ये मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी चापिंग। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ कितनी अमेजिंग ये लग रही है। ये देखिए कितना अच्छा क्रस्ट हुआ है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, और देखिए अंदर कितनी जूसी एंड सॉफ्ट हमारी ये तैयार हुई है। तो इन सभी को मैं इस मैरिनेशन में ऐड कर देती हूँ। इसको हम अच्छे से कोट कर देंगे। कोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना देर आप इसको मैरिनेट करेंगे ना उतनी ही फ्लेवरफुल बनके तैयार होंगी आपकी ये मलाई सोया चाप। तो ग्रेवी वाली बनानी है आपको, पतली मतलब आपको ड्राई बनानी है, आपको स्टार्टर्स के लिए बनानी है, वो सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करेंगे आप। तो इस तरह से हमने ये कोट कर दिया है, और अब हम इसको ढक के मिनिमम 1.5 से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी जो ये चापे हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना थिक हो गया है ये, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है चापों ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं या अवन में बेक करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छे से तैयार होंगी। लेकिन क्योंकि सबके यहाँ अवन नहीं होते हैं, तो तंदूर नहीं होते हैं, तो आज मैं इसको कढ़ाई में ही आप इसको कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो यहाँ मैंने ली है कढ़ाई, इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है, ऑयल या घी जो आपको पसंद हो। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेजपात का पत्ता, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 साबुत लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को इस तरह से मैंने हल्का सा रफली चॉप कर लिया है, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो रेड, येलो, ग्रीन जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड करें। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। कैप्सिकम को हमें अच्छे से गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। बस मैं इसको 1 मिनट के लिए कुक करूंगी जिससे कि इसकी रॉनेस खत्म हो जाए। इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारी ये मैरिनेटेड चाप। तो जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे ये ऑयल ऊज आउट करेगी, क्योंकि हमने चापों को थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था इस रीजन से। और जब दही भी पकेगा तो वो भी तेल छोड़ेगा, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से कुक करना है। अब इस टाइम पे अगर आप, जब ये कुक हो जाएगा उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं रोटी चपाती के साथ खाने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको थोड़ा लिक्विडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही एज अ स्टार्टर इंजॉय कर सकते हैं, हरे धनिये की चटनी के साथ या मिंट वाली चटनी के साथ। तो मैं इसको कवर करके कुक करूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार दिख रही है ये हमारी मलाई सोया चाप।
तो इसको मैं बस फिनिश करूंगी ढेर सारे हरे धनिए के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी ईजी भी लगी होगी, और आप अगर स्वेच आप खाने के शौकीन हैं तो आप इसको इतने सिंपल मेथड से ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि फ्लेवर्स में, टेक्सचर में ये आपको कहीं से भी कम नहीं लगेगी बाज़ार वालों से, बल्कि उनसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार लगेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।